हमारा मज़ेदार सा सेब और गाजर का हलवा खाने के लिए रेडी है। ये देखें, ये बहुत ही टेस्टी रेडी होता है। ये देखें, आप खाएं, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बनाने जा रही हूँ सेब और गाजर का हलवा, जिसके लिए मैंने आधा किलो सेब ले लिए हैं और आधा किलो भी मैंने गाजरें ले ली हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गाजरों को हमने कर लेना है ऊपर से साफ। साफ करने के बाद उसको हम कश करेंगे। ये जो आधा किलो गाजरें मैंने ली थी उनको मैंने कश कर लिया है। अब हमने क्या करना था, अब हमने आधा किलो ही दूध लेना है। वो पतीले में डाल के हम गर्म होना रख देते हैं। जब वो गर्म होगा तो फिर हम गाजरों को उसके अंदर डालेंगे। मैंने चूल्हे पर रख दिया, इसके अंदर हमने डाल दी गर्म ही है। अब इसके अंदर मैं गाजरें डाल दूंगी। गाजर और दूध को हमने अच्छे से पकाना है और दूध को मुकम्मल हमने खुश्क कर देना है। जितनी हमने गाजरें, आधा किलो ही हमने गाजरें ली और आधा किलो ही हमने दूध लिया है, इस दूध को हमने गाजरों के अंदर खुश्क कर देना है ताकि गाजरें हमारी अच्छे से नरम हो जाएं। गाजरों के अंदर थोड़ा सा दूध रह गया है, आधे से ज़्यादा खुश्क हो गया है। जब तक ये खुश्क हो रहा है, अब हमने क्या करना है कि अब हमने जो सेब रखे थे अब उनको भी हमने कश करना है। जैसे कि हमने गाजरों को कश किया था, आधा किलो हमने सेब लिया, उनको भी हमने ऐसे ही कश कर लेना है। अपने बाउल ले लेने हैं जो हमने सेब कश किए हैं। इसके ऊपर से हमने छिलका उतार लिया था, छिलके साथ भी कश नहीं हो रहा था। आप इसका छिलका उतार लेना तो फिर कश करके जल्दी से कश हो जाएंगे। अब इसके ऊपर 2 खाने के चम्मच हमने लेमन जूस डाल देना है। इसके ऊपर 2 खाने के चम्मच लेमन जूस में हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके ऊपर हमने 1 कप चीनी का डाल देना है। मिक्स कर लिया। अब हम अपनी गाजरों को चेक कर लेते हैं, उसका दूध खुश्क हुआ है या नहीं। गाजरों में से दूध बिल्कुल खुश्क हो गया, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हम अगला स्टेप शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैंने 1 कप घी का डाल दिया है। अब इसको हम मेल्ट होने का इंतज़ार करते हैं। हमारा गर्म हो गया, इसके अंदर 1 टुकड़ा हम डाल देंगे दालचीनी का और 3 से 4 हमने लौंग डाल देनी है। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे इसके अंदर। इसके फ्राई होती है जो हमने दूध के अंदर गाजरें बॉईल की थी वो हम डाल देंगे इसके अंदर। और साथ ही हमने जो हमने कश किए थे सेब, उसके हमने लेमन जूस डाला था, उसके ऊपर 1 कप चीनी का डाल दिया, वो भी हम साथ ही डाल देंगे। हम बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में हलवा रेडी कर रहे हैं, सेब और गाजर का हलवा। ठीक है, 2 मिनट से पकते हुए हो गए हैं। मैंने तेज आंच पे से मैं पका रही हूँ। हमने सेब के अंदर जो चीनी डाली थी उस चीनी में भी पानी छोड़ा हुआ है। अभी हमने चीनी के अंदर जो पानी है हमने हलवे के अंदर उसको हमने खुश करना है। जब ये खुश्क हो जाएगा तो फिर हम अच्छी से भुनाई करेंगे हलवे की। आपने ये बात ख्याल में रखनी है, आपने के बाद आपने ये पानी हमें तेज़ आंच पर खुश्क करना है। चीनी का पानी खुश्क हो गया है, आप ये देखें। इसमें हमने क्या करना है कि मैंने फ्रेश मलाई ली है, ये इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। और ये 2 टेबल स्पून है और साथ
के हमने इसके अंदर किशमिश डाल देनी है। अब आग हम मीडियम पे कर दें। पहले मैंने आँच को तेज रखा हुआ था, फिर अब मैंने मीडियम से कर दिया इसको। इसको हमने फ्राई कर लिया है, दो से तीन मिनट। ये कितना खूबसूरत कलर आ रहा है हमारे हलवे का, ये खाने में बहुत ही मज़े का होता है। मुझे बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम बना रहे हैं। हमने गजरेला खाया है, गाजर का हलवा खाया है, सूजी का हलवा खाया है, लेकिन यकीन सेव और गाजर का हलवा पहली बार देख रहे होंगे। ये देखिए 102 मिनट से भूनते हुए हो गए हैं। इसके अंदर हमने मलाई भी डाली थी, इससे का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट इसके अंदर से आएगा। हमने किशमिश भी डाल दी थी। इस मौके पे हमने 1 से 2 खाने की चम्मच, 1 खाने का चम्मच भर के मैंने देसी घी का डाल दिया। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, जायका दुबाला हो जाएगा। 1 से 2 मिनट हम इसके बिल्कुल भुनेंगे ताकि हमारा ऑयल अलग हो जाए, हलवा अलग हो जाए। हो गया है, बस थोड़ा सा मुझे भूनी भूनेंगे, इसके बाद हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ठीक है, हमारा हलवा हमारा रेडी हो गया है, घी भी अलग हो गया है। अब इसके ऊपर ये खोपरा मैंने मोटा मोटा काट लिया है, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। चूल्हा में बंद कर दूंगी, हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। हमारा मज़ेदार सा सेब और गाजर का हलवा रेडी हो गया है, जो हमने बहुत ही मुनफरद स्टाइल से बनाया है। यकीन है ऐसा हलवा आपने पहली बार देखा होगा। और प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मुझे अपना फीडबैक दें ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें और मेरी हौसला अफजाई हो। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।